आपने शुरू में कहा था कि आज की स्कूली शिक्षा एक तरह से वर्णाश्रम पर ही आधारित है। क्या उत्पादक काम पर आधारित शिक्षा में इस व्यवस्था को चुनौती देने की ताकत है और इसे संभव कैसे बनाया जाए? देखिए, जो काम की संस्कृति है ये केवल घर में गड़बड़ नहीं है, स्कूल में भी गड़बड़ है, दोनों जगह गड़बड़ है। घर में तो सबसे बड़ी जो गड़बड़ है वो लिंग भेद की है। इससे बड़ी गड़बड़ तो कोई हम कर नहीं सकते। आप जैसे ही खाना पकाने की बात होती है तो अपने 8 साल की बेटी को लगा देते हैं, बाहर से सब्जी खरीदने की बात होगी तो बेटे को भेज देते हैं, जब मुझे बैंक से पैसा निकालना है तो बेटे को भेज देंगे, कहें बेटी कैसे जाएगी पैसा निकालने, और जब कशीदाकारी करनी होगी तो बेटी से करवाएंगे, और फिर हम कहेंगे नहीं बेटी और बेटा बराबर है, हम दोनों को प्यार करते हैं। आप दोनों को प्यार बराबर नहीं करते हैं। अब एक बच्चे में तो हिम्मत पैदा कर रहे हैं दुनिया से जूझने की, और दूसरे बच्चे का यानी बेटी का ऐसा समाजीकरण कर रहे हैं परिवार के अंदर कि जो वो बड़ी होगी और उसको जाना होगा, मान लीजिए पुणे से मुंबई जाना होगा बस में बैठ के, तो आपको सोचना पड़ेगा किसको साथ में भेजोगे, अकेले कैसे जाएगी बेटी, चाहे वो 22 साल की होगी 25 साल की होगी, अरे अकेले कैसे जाएगी, रास्ते में खतरा है। आपने बेटी का में वो ताकत वो हिम्मत पैदा नहीं करी जो अपने बेटे में कर दी, वो तो पूना से गाड़ी में बैठेगा और सीधे दिल्ली चला जाएगा बिना डर के, ये हिम्मत बेटी में क्यों नहीं पैदा करी? और आजकल तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि परिवार की बेटियां आगे निकलें और बराबरी से जीवन बताएं, इज्जत का जीवन बताएं, उनमें बहादुरी आना, हिम्मत पैदा करना, जुझारूपन पैदा करना, न कि उनको डरपोक बना देना। और महिलाओं में जो हिम्मत होती है वो हम समझे, उनमें बड़ी हिम्मत होती है। अंत में जब लड़ने का सवाल आता है, आज आप देखिए जितने देश के बड़े बड़े आंदोलन हैं, सब आंदोलनों को देखिए, उसके अग्रणी कतार में आपको महिलाएं खड़ी मिलेंगी, पुरुष नहीं मिलेंगी। जितने देश के बड़े आंदोलन हैं, यहाँ तक कि ट्रेड यूनियन के आंदोलन में भी आपको अग्रणी कतार में महिलाएं मिलेंगी। उन महिलाओं को जिनको घर में पहले डरपोक बनाया गया, पर जब लड़ने का मौका है तो सबसे आगे खड़ी हो गई। ये हमको समझना पड़ेगा, इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। एक तो ये बात है, बचपन से ही ये लिंग भेद खत्म होना चाहिए। हाथ से काम करना अच्छी बात है, ये तब आएगी जब माँ बाप खुद हाथ से काम करेंगे, किसी काम को करने में शर्म नहीं आएगी। मैं शहर में मान लीजिए टीचर हूँ, मैं साइकिल पे जाता हूँ, अब साइकिल को साफ करना है तो मुझे शर्म आती है, कहीं कोई देखने नहीं साइकिल को साफ करते हुए। तो साइकिल को साफ करने के लिए साइकिल को बाहर बरामदे से उठा के घर के अंदर ले आता हूँ, फिर साफ करके बाहर रख देता हूँ। तो ये चलेगा तो मेरा बच्चा भी वही सीखेगा, बच्ची भी वही सीखेगी। बात है स्कूल में तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। पानी लाना है तो कौन लाएगा? उत्तर भारत में पानी लाने का काम कहार परिवार करते हैं, कहार जाति के लोग करते हैं। तो देखें क्लास में कौन कहार परिवार का है, उसमें भी लड़की कौन है? कहार में लड़की नहीं है तो लड़के को बोलेंगे जा पानी ले आओ, लड़की होगी तो लड़की को भेजेंगे, समझे? और अगर मान लीजिए स्कूल का रजिस्टर प्राइमरी स्कूल से उठाकर हाई स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंचाना है तो किसी ब्राह्मण लड़के को बुला के भेज देंगे कि बेटा जाओ वो दे आओ। ये काम कहार को या चमार को नहीं बोला जाएगा। झाड़ू लगाना है तो चमार से लगवाया जाएगा। इसलिए जब उत्पादक काम पर आधारित पाठ्यचर्या का जिक्र हमने किया तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों ने इसका इस आधार पर विरोध भी किया, सवाल भी उठाया, उन्होंने कहा ये तो ठीक है लेकिन हमें मालूम है क्या होगा, जब स्कूल की सफाई का सवाल आएगा तो अब चमारों के बच्चों को लगा देंगे, जब पानी लाने का सवाल आएगा तो काहरों के बच्चों को लगा देंगे, और जब कोई पढ़ाई लिखाई वाला काम करने का सवाल आएगा तो ब्राह्मणों और ठाकुरों के बच्चों को राजपूतों के बच्चों को लगा देंगे। तो ये तो सही नहीं होगा। तो हमने अपनी रिपोर्ट में इस बात का पूरा जिक्र किया है, पूरी बारीकी के साथ, कि उत्पादक काम अगर शिक्षा में है तो उसका बंटवारा जाति के आधार पर नहीं हो सकता, वो सबके लिए बराबर होगा। अगर चमड़ा पकाने का काम सीखा जा रहा है स्कूल में तो आप किसी भी जाति के हों सब बच्चे मिलकर चमड़ा पकाएंगे, नहीं तो मत रखिए वहां पे इसका। और चमड़ा पकाने का काम रखना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि मुझे चमड़ा पकाना नहीं आता था पर जब मैंने चमड़ा पकाना सीखा तो पता चला इसमें कितना विज्ञान है, और फिर उन्होंने जूते बनाना सीखा। तो हम गांधी जी से का बहुत नाम लेते हैं, पर उनके इन गुणों से कुछ सीखें कि काम जब शिक्षा में आएगा तो उसका बंटवारा जाति और वर्ग के आधार पर और लिंग के आधार पर नहीं हो सकता है।